एमएच नगर लूटकांड का हुआ खुलासा। घर में घुसकर डकैती और गोलीकांड का मामला था। सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई 8 पीस साड़ी और 100 ग्राम चांदी का जेवर बरामद किया गया है। अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 23 जून को अपराधियों ने करीब 10 लाख रुपए और जेवर सहित अन्य सामान की लूट की थी। 4 लोगों को गोली लगने से कई लोग घायल हो गए थे, जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चला था। पूरी घटना एमएच नगर थाना क्षेत्र के मेहरी गांव में यह हुई थी बड़ी घटना। अभी कुछ दिन पहले ही दो लूट डकैती की घटना हुई थी, गिरी डकैती की घटना घटी थी। एक मेरे ही गांव में जो एमएच नगर थाना का है और एक हुसैना गांव में जो सिसवन थाना का है। दोनों ही डकैती 2-3 दिन के अंतराल में ही हुई थी और एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको पुलिस ने चुनौती को स्वीकार करते हुए इसमें पूरा परिश्रम किया है और इसमें शामिल दो अपराधकर्मी को लूट का कुछ सामान, जो इसमें कुछ साड़ी और गहना है, उसके साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और बताया है कि दोनों ही घटना में यही गिरोह एक्ट का काम किया था। इसमें इसने सबका नाम बताया है। इनका नाम है, जो गिरफ्तार हुए उनका नाम है सुनील कुमार सिंह और दूसरे हैं सुरेश चौहान। दोनों गभीरार के हैं, थाना रघुनाथपुर। इनका इन दोनों का पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है। सुनील सिंह और सुरेश चौहान दोनों का पूर्व का क्रिमिनल हिस्ट्री भी रहा है। कोई हथियार भी सर बरामद हुआ है? नहीं, गांव के कुछ लोग हैं और कुछ नट गिरोह के सदस्य इसमें शामिल हैं, जो छपरा के रहने वाले हैं। छपरा दाऊदपुर एक जगह है छपरा में, वहाँ के कुछ नट गिरोह के लोग हैं और ये लोग सब मिल के लोकली गांव में ऑर्गेनाइज करके यह घटना करी। कुछ हथियार वगैरह भी बरामद हुए सर? हथियार बरामद नहीं, सामान बरामद हुआ है, जो डकैती का सामान बरामद हुआ। ठीक।